सुबह जल्दबाजी में क्या बनाएं और शाम को चटपटा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये नाश्ता आप ही के लिए है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुरमुरे से बनने वाला एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे हम बहुत कम तेल से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हेल्दी रेसिपी भी है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी जितना मुरमुरा लिया है, इसे कई जगह पर लाई भी बोलते हैं। इसे एक बार हम पानी से अच्छे से धो लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे भिगोने रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में अच्छे से फूल जाएगा, इसे एक तरफ रख देंगे। हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तब तक यहाँ मैंने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ली है, एक हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है 1/4 इंच जितना, और सूखी हुई यहाँ पर मेरे पास कड़ी पत्ता है, अगर आपके पास ताजी हो तो आप डालें। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी सूजी ले ली है, जिस कटोरी से हमने मुरमुरे नापे थे उसी कटोरी से मैंने 1/2 कटोरी सूजी ली है। 2 चम्मच यहाँ हम बेसन डालेंगे, 1.5 से 2 चम्मच। यहाँ मैंने 1/4 कटोरी यानी 4 चम्मच जितनी दही ली है, अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप 2 चम्मच ही डालें। अब इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीजों को अच्छे से पीस लिया है और इसका इस तरह का टेक्सचर आया है, ये देख लीजिए। अब जो मुरमुरे हमने भिगो कर रखे थे उसका पानी निकाल लेंगे और सभी मुरमुरों को मिक्सी में डालकर एक बार फिर से सभी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे। अब यहाँ हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि मुरमुरे भीगे हुए हैं तो अच्छे से पीस जाएंगे। और सभी चीजों को मैंने अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पर एक मैंने बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है। अब जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है हम उसे इस बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए सभी चीजें एक साथ पीसने पर इस तरह का पेस्ट तैयार हुआ है। एक बार हम इसे हल्का सा चला लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले और कुछ सब्जी ऐड करेंगे। सब्जी आप जो खाना पसंद करें वो डालें। यहाँ मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाला है यहाँ मैंने स्वाद अनुसार, आप इसकी जगह पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा नाश्ते का। और यहाँ पर फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने मैगी मसाला का एक पूरा पाउच डाला है, आप चाहें तो इसकी जगह पर पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। गरम मसाला अगर डालें तो थोड़ा कम डालिएगा। अब सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी चीजें आपस में मिक्स हो जाए इस तरह से चलाते हुए। और ये बैटर अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि हमें इसे अभी रेस्ट पे रखना है, हमने इसमें सूजी डाली है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूंगी, सिर्फ 2 चम्मच जितना ही पानी मैंने इसमें डाला है, 2 टेबल स्पून जितना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है। मिक्स करके ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद सूजी अच्छे से फूल गई है और बैटर भी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालेंगे। ये हमें तभी डालना है जब हम इस नाश्ते को बनाने वाले हों, इसे हम बनाकर छोड़ नहीं देंगे, नहीं तो इसका जो रिएक्शन होगा बेकिंग सोडा का वो खत्म हो जाएगा और नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। ये नाश्ते को नरम और फूला फूला बनाता है। तो इसे डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बैटर फ्लफी हो गया है। और अब यहाँ पर मैंने अपम का पैन लिया है, इस नाश्ते को हम अपम के पैन में बनाएंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगाकर अपम पैन को हम ग्रीस कर लेंगे और 1-1 चम्मच जितना बैटर हम सभी खाचे में डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1-1 चम्मच जितना डाल दिया है बैटर हमें। और अब हम इसे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर
2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाए और फिर ऊपर से जब ये हमको ड्राई लगने लगे तब हम इसको पलटेंगे। उससे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा तेल छिड़क देंगे हम। और ये देखिए ये एक तरफ से अच्छे से नीचे से पक गए हैं, अच्छा सा इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी पलट के और सेक लेंगे अपम पैन में। फिर से ढक्कन लगाकर सिर्फ 2 मिनट के लिए रखेंगे और ये अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि सभी अपम जो हैं हमारे मुरमुरे के बनके तैयार हो गए हैं। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी बनती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी है। हमने इसे बहुत कम तेल के साथ बनाया है और जो चीजें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं वो खाने में अच्छी लगती हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां लक्ष्मी।